हेलो दोस्तों, तो आज का प्रीमिक शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे ऑल इंडिया डायग्नोस्टिक टेस्ट से है। अभी भी टाइम है दोस्तों, यू कैन टेस्ट योरसेल्फ एंड सी कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है। जस्ट टू गिव यू ग्लांस, मैंने एक क्वेश्चन उस टेस्ट से दिया है। इनमें से कौन सा पैर है जो कि करेक्टली मैच्ड है, मिशन और प्लैनेट? तो बेपी कोलम्बो, इज इट एसोसिएटेड विद मर्करी? ओसाइरिस रेक्स, इज इट एसोसिएटेड विद नेपच्यून? इनसाइड, क्या ये मार्स से एसोसिएटेड है? ठीक है, तो दो मिनट के लिए पॉज कीजिए और आपका आंसर है 1 and 3 ओनली, बिकॉज जो ये ओसाइरिस रेक्स है, ये एक एस्ट्रॉयड बेन्नू पड़ा होगा आपने, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ये उससे एसोसिएटेड है। राइट, अगेन 1 and 3 आर एब्सोल्युटली राइट। तो जितने भी आपके मिशंस हैं, मेक श्योर कि आपको उनके प्लैनेट्स अच्छे से याद हों, राइट, क्योंकि ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी आ सकते हैं। ये दो मार्क्स आपके डेफिनेटली नहीं जाने चाहिए। ठीक है, अगेन वही दिया हुआ है कि ओसाइरिस रेक्स एस्ट्रॉइड बेन्नू, इनसाइड्स मार्स एंड बेपी कोलम्बो इज एसोसिएटेड विद मर्करी। ठीक है जी, सिंपल। ओके, अब थोड़ा सा ना टीडियस क्वेश्चन करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस? लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, ओशन करंट्स, प्रिवेलिंग विंड्स। ठीक है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कहीं के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं? ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्टली देखो तो आपको चारों के चारों ऑप्शन सही लगेंगे, मैं गारंटी देती हूँ। ठीक है, लेकिन आपका आंसर है 1, 3 and 4। व्हेन आई से इन्फ्लुएंस टेम्परेचर, इसका मतलब है कि मान लीजिए टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब चीज़ों की भी बात हो रही है कि इसमें से कौन सी चीज़ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर सकती है, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जो ये डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन है, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इंसुलेशन की बात कर रहा है कि दिस डिसाइड्स कि कहाँ इंसुलेशन ज़्यादा होगी, कहाँ इंसुलेशन कम होगी। ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करता है। तो ऐसे टीडियस क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों यूपीएससी में 2-4, जहाँ पे यू विल हैव टू टेस्ट योर बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें जितने भी बाकी 3 फैक्टर्स हैं, ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में डेफिनेटली आपको असिस्ट करते हैं। तो इस ऐसे क्वेश्चंस का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन समबडी हु क्लियर्स एंड जिनका 1 या 2 मार्क्स से प्री नहीं हो पाता। ठीक है, चलो, दिस वॉज अ टीडियस क्वेश्चन, बाकी दैट इज ईजी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट ट्रू? ठीक है, कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। जो नॉर्थ इंडिया का शुगर केन है, वो कह रहा है वो सब ट्रॉपिकल वैरायटी का है और उसमें शुगर कंटेंट लो होता है। जो साउथ इंडियन से एसोसिएटेड शुगर केन है, वो ट्रॉपिकल वैरायटी का होता है, उसमें हाई शुगर कंटेंट और हाई यील्ड होता है। ठीक है, शुगर केन हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है, जिसमें टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री तक चाहिए होता है और एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर्स। राइट, तो इसमें अगर आपने वो वाली न्यूज़ बहुत ज़्यादा पढ़ी है कि क्यों बहुत सारी शुगर इंडस्ट्रीज साउथ की तरफ जा रही हैं, तो आपने डेफिनेटली इनको एडिटोरियल्स में पढ़ा होगा कि साउथ इंडिया में जो शुगर केन है, उसकी शुगर कंटेंट हाई होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। तो ए और बी इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, दिस इज़ मोर अबाउट कि आपने न्यूज़ को कितना फॉलो किया। अगेन, अगर आपने एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ा है तो आप देखोगे येस, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट 21 से 27 डिग्री के बीच में, लेकिन एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती है। तो दिस वन इज़ नॉट ट्रू। रादर, अगर आप एनुअल रेनफॉल की बात करेंगे तो वो 75 to 100 सेंटीमीटर्स की बात करती है। और ध्यान देना, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली जनरली नॉट ट्रू कहा हुआ है। राइट, सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी। ठीक है, बाकी आप डिटेल्स यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कंपाइलेशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ठीक है, चलो, एशियन रिवर मीकोंग डज नॉट रन थ्रू। ठीक है, मीकोंग रिवर के साथ जो आप प्रोग्राम पढ़ते हो, राइट, इंडिया का, ऑब्वियसली वो आपको पता होना चाहिए। अब उसमें क्या होता है, आप गंगा, मीकोंग रिवर, ये सब तो पढ़ लेते हो, लेकिन आप मीकोंग रिवर कहाँ कहाँ रन करती है वो नहीं देखते हो। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया, तो आपको मलेशिया पता लग जाना चाहिए ड्यू टू वेरियस रीजंस, व्हाई आई विल टेल यू। सबसे पहली चीज़, अगर आप याद करना चाहते हो तो इन कंट्रीज़ को याद कर लो, राइट, कि 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। लेकिन वन मोर थिंग इज़, चाइना, म्यांमार, लाओस, ठीक है, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया अगर आप देखो कि काफ़ी नीचे आता है, राइट, तो डेफिनेटली मलेशिया होने की पॉसिबिलिटी तो वैसे भी नहीं थी, क्योंकि अगर इंडिया से मीकोंग रिवर का कुछ एसोसिएशन है ना, जो प्रोग्राम हम न्यूज में पढ़ते हैं यूजली, तो उतनी दूर की तो बात होती ही नहीं है। तो आपको अगर नहीं भी पता था, देन ऑल्सो शुड हैव बीन एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। एक रेनफॉल के बारे में डिटेल्स दी हुई और पूछा हुआ है कि कौन सी तरह की रेनफॉल डिस्क्राइब की गई है। तो बोल रहे हैं, व्हेन सैचुरेटेड एयर मास कम्स अक्रॉस अ माउंटेन, इट इज फोर टू असेंड एंड इट राइजेस, इट एक्सपैंड्स,
टेम्परेचर फॉल्स एंड मॉइस्चर इज कंटेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल. जैसे ही आप माउंटेन की बात आ गई ना, आंख बंद करके आपके दिमाग में ओरोग्राफिक रेनफॉल आनी चाहिए. 50,000 बार वी हैव डिस्कस्ड माउंटेन से एसोसिएटेड रेनफॉल एक तरफ ज़्यादा है दूसरी तरफ नहीं होगी. जिस तरफ ज़्यादा रेनफॉल है उसको विंडवर्ड साइड कहते हैं, जिस तरफ कम रेनफॉल है उसको लीवर्ड साइड कहते हैं. अब एक आपको और भी यहाँ पे दिक्कत आ सकती है कि अरे ओरोग्राफिक रेनफॉल तो यहाँ है ही नहीं. रिलीफ रेनफॉल इज ऑल्सो अ नेम फॉर ओरोग्राफिक रेनफॉल. ठीक है, तो कभी भी अगर आप इसको एलिमिनेट भी कर देते ना तो भी आपका आंसर आ जाता. कन्वेक्शनल नहीं हो सकती, साइक्लोनिक नहीं हो सकती, मॉनसून भी नहीं हो सकती. सो द ओनली थिंग लेफ्ट इज रिलीफ रेनफॉल. नाउ कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं शायद क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होना चाहिए था, दिया ही नहीं. नाउ ऐसी चीजें नहीं सोचनी है. द ओनली थिंग इज कम अप टू द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल. यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है. ठीक है, चलिए दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. आई होप आपने 2 मिनट सीरीज देख ली है, आपकी प्रीक्योर देख लिया है, जो आपका सितंबर का रिवीजन का मॉड्यूल है वो भी देख लिया है. एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू नेक्स्ट मंडे. ओके दोस्तों, बाय बाय.